हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ट्रेडर्स में फिर से आप लोगों का स्वागत है। सर्कल ट्रेडर्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्राइडे का दिन यानी कल का दिन हमारा एक दिन मार्केट का छुट्टी है एंड फ्राइडे का दिन हम कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहां पे ट्रेड करें जिससे हमें मार्केट से ठीक ठाक अर्निंग मिले, प्रॉफिट मिले, पिन पॉइंट को समझने का कोशिश करूंगा। फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बने रहिए, ध्यान से देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो सीधा हम चलेंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखिए इस मार्केट से कैसे हमें प्रॉफिट मिलेगा। बड़ा सवाल है, कैसे हमें प्रॉफिट मिलेगा, हमें बहुत नुकसान हो रहा है, कैसे हम काम करें। तो देखो दोस्त, मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट लर्न देन अर्न, एक ही मेरा मोटो है कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर कभी पैसा नहीं कमा सकते इस मार्केट से। दूसरे ने आपको हाथ पकड़ के एक कॉल दे दिया, एक कॉल में प्रॉफिट होगा, बाकी दो तीन कॉल आप खुद से करेंगे और वहां पर नुकसान हो जाएगा। स्टॉप लॉस देते हैं लोग, आप स्टॉप लॉस मेंशन नहीं करते हैं, यही सारे कारण के वजह से आपको जो अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स प्लीज, अगर मेरा बात अच्छा लगे तो इसको मान के चलिएगा, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। चलिए दोस्तों, फ्राइडे का दिन के लिए हम क्या मार्केट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू एक अप ट्रेंड के बाद आज मैं गैप अप होने का वादा किया था कि मार्केट गैप अप हो सकता है। क्लियर, मार्केट गैप अप हुआ है, गैप अप होते ही वहां से गिरावट आया। मेन रीजन गैप अप होने का क्या है, गिरावट का क्या है, शायद आपको पता चल गया होगा। एचडीएफसी बैंक का एक अच्छा न्यूज की वजह से एचडीएफसी बैंक भागा, बैंक निफ्टी को गैप अप किया एंड वहां से मार्केट तालिबान अफगानिस्तान का जो केस चला हुआ है उससे मार्केट का एक नेगेटिव असर तो पड़ना ही था। ओके, जिसके कारण हम मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप के बाद अच्छी खासी गिरावट हमें दिख रही है, मिला है। अब फ्राइडे का सेशन देखिए, मैं यहाँ पे छोटी टाइम फ्रेम के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम में हमें किस लेवल पे बाइंग या किस लेवल पे सेलिंग करना चाहिए। राइट, हम यहाँ पे 15 मिनट की बात करेंगे जो 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या स्थिति दिखाई दे रहा है। देखिए मंडे के लिए अगर हम 15 मिनट चार्ट के साथ ट्रेडिंग करना पसंद करेंगे तो हमें मेनली लेवल क्या होना चाहिए, देखो नियर अबाउट 16,600, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। अगर इस लाइन के करीब मार्केट ओपन होता है, अगर इस लाइन के करीब मार्केट ओपन होता है यानी कि मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन होता है, देखो मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव ओपन होगा किसी को नहीं पता, बट जो सिचुएशन एंड एक दिन का बिग रेड कैंडल से हमें ये थोड़ा सा समझ में आता है कि मार्केट का सेंटिमेंट्स अभी एक दो दिन नेगेटिव रह सकता है। फिर भी अगर ग्लोबल मार्केट के संकट से, मनी कंट्रोल में आपको एक्सिस निफ्टी के संकट से अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है तो ये लेवल आपको इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से अगर मार्केट में फिर से गिरावट आता है, यहां से आपको पुट कैरी करना है, पुट कैरी करना है। राइट, अगर मार्केट इस लेवल से नीचे ओपन होता है तो सबसे पहला मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए 16,500। ओके, मार्केट का फिलहाल इस दौरान मेन सपोर्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या रह सकता है, देखो नेक्स्ट पॉइंट जो इस गिरावट का माहौल में जा सकता है 16,450 एंड लास्टली 16,350, जो मैं पिछले कोई दिन से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन खींचने का कोशिश करूं तो ये ट्रेन लाइन कहां पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये सिंपली नॉर्मल जो एनालिसिस है ये मैं आपको समझाने का कोशिश हमेशा करता हूँ, यानी कि सपोर्ट का लेवल जो मुझे लग रहा है 16,400, मुझे 500 को ब्रेक करने के बाद 400 तक भी इस दौरान जा सकता है। पिन पॉइंट रेसिस्टेंस की बात किया था दोस्तों, पिन पॉइंट रेसिस्टेंस की बात किया था जब इस ब्रेकआउट हुआ था तब मैं आपको बताया था कि मार्केट 16,700 इस जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है, ये जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है इस अप ट्रेंड का अंत कहां पे हो सकता है 16,700 पे। क्लियर पिन पॉइंट हमें दिखता हुआ मिला है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्लियर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप ट्रेडिंग करेंगे। कैसे, देखो लगभग ये ट्रेंड लाइन के साथ आप ट्रेडिंग कीजिए। ओके, बॉटम साइड से आप खींचिए ये लाइन, इसका बीच में अगर मार्केट रहेगा कोई ट्रेड मत कीजिए। अप साइड ब्रेक होकर सस्टेनेबल होगा तो पॉजिटिव जाना है, डाउन साइड ब्रेक होकर सस्टेनेबल होगा, आप बोलेंगे सर सस्टेनेबल बोले तो देखो मिनिमम एक 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे आपको बनना है, 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे आपको बनना है एंड उसके बाद उस 5 मिनट का कैंडल का नीचे मार्केट ब्रेक हो रहा है कि नहीं इसको ध्यान देना है, फिर आपको क्लियर पुट साइड में रहना है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तो इसके ऊपर मार्केट
अपसाइड में फिर से जा सकता है, लेकिन जो चांसेस यहाँ पे लग रहा है वो मैं ऑप्शन चेंज के थ्रू आपको समझने का कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी में किस लेवल के बाद आपको सेलिंग एंड किस लेवल के बाद आपको बाइंग करना चाहिए मैं यहाँ पे समझने का कोशिश करूंगा। फर्स्टली जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है फ्राइडे के लिए, फर्स्टली सपोर्ट जो मुझे फ्राइडे के लिए दिखाई दे रहा है वो आपको रह सकता है 35,400। ओके, मैं इस चार्ट में क्लियर समझने का कोशिश करूंगा। 35,400 ये आपको पहला सपोर्ट का काम करेगा एंड 35,400 को ब्रेक करने के बाद जो लेवल रह जाता है 35,230 क्या है इस जगह पे, मैं आपको बहुत पहले बताया था जब मार्केट एक गैप अप छोड़ के जा रहा है, यहाँ पे एक गैप अप छोड़ के जा रहा है, ये गैप अप को फुलफिल करने के लिए मार्केट को आना पड़ेगा, ठीक है, और ये मार्केट का रूल्स है कि इस गैप अप को फुलफिल करने के लिए मार्केट जरूर एक बार आता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको कहाँ मिल रहा है 35,235, राइट। अगर इससे भी नीचे आता है फिर जाके सपोर्ट कहाँ मिलेगा 35,200। ओके, क्या है यहाँ पे, देखिए ऐसे मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि चार्ट के अंदर आप इस तमाम पिन पॉइंट को समझो और इसके बाद जब इंटरडे हमें ट्रेडिंग करना होगा तो उसके लिए और क्या चीज चाहिए, तड़का चाहिए। तड़का मीन्स कोई खाना अगर टेस्टी बनाना है तो आपको तड़के लगाते हैं, अच्छा से खाना बनाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा से पिन पॉइंट एंड अच्छा से रेसिस्टेंस एंड अच्छा से ब्रेकआउट पॉइंट, पूरा मार्केट में तीन चीज है। तीन चीज क्या क्या है दोस्तों, एक हो गया ब्रेकआउट पॉइंट, राइट, एक आपको ब्रेकआउट पॉइंट, एक आपको एंट्री पॉइंट, ब्रेकडाउन यानी कि रेसिस्टेंस पॉइंट क्या होगा, डाउन मूवमेंट में सपोर्ट पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट क्या होगा, एंड कोई स्टॉक अगर एक जगह पे चल रहा है किस पॉइंट से हमें बाइंग करना है। ये जो तीन चीज अगर आपने पकड़ लिया है तो मार्केट में कोई आपको हरा नहीं सकता, ठीक है, इन तीन चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, तो आई थिंक आप बैंक निफ्टी के बारे में समझ रहे होंगे, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड कब जाएंगे बहुत क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूं आपको, देखिए बैंक निफ्टी का पॉजिटिव साइड आप जाएंगे जब 35,640 लेवल को ब्रेक होगा, तब 35,640 लेवल को ब्रेक होगा तब आपको बाइंग साइड में जाना है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर सस्टेनेबल होना है। तो आई थिंक इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, सीधे मैं चलूंगा ऑप्शन चेन के ऊपर और ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो जस्ट यहाँ पे हम ध्यान देंगे जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑप्शन चेन में क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट एक्सपायरी का ही ऑप्शन चेन है, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस हमें समझ आ रहा है, रेसिस्टेंस है आपको 16,600 फिलहाल के लिए छोटी मोटी रेसिस्टेंस, क्योंकि आज ही जस्ट मार्केट क्लोज हुआ है तो ह्यूज फिगर यहाँ पे बनता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सपोर्ट के लिए फर्स्टली सपोर्ट के लिए 16,500 आपको फर्स्टली सपोर्ट बनेगा, जहां पे हमें ओपन इंटरेस्ट भी एक ठीक ठाक मिल रहा है एंड इसके ऊपर भी ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक मिल रहा है, यानी कि फ्राइडे के सेशन के लिए फर्स्टली हम इस रेंज की बात करेंगे 16,600 एंड 16,500 ये रह सकता है फ्राइडे का रेंज, राइट। अब चलेंगे हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में, देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन किया, देखो आपको अगर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये सारी चीज के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो मत ट्रेड कीजिए, अगर नहीं है नॉलेज तो प्लीज ट्रेड मत कीजिए, आपका मेहनत का पैसा यहाँ पे गवाइएगा मत, ठीक है। देखिए 35,500 एंड रेसिस्टेंस के तौर पे देखो सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक होगा तो और गिरावट आ सकता है, बट रेसिस्टेंस की बात करें तो इतनी बड़ी रेसिस्टेंस इसके ऊपर हमें नहीं मिल रहा है, ऊपर हमें 36,000 का लेवल दिखाई दे रहा है, 36,000 का लेवल, ठीक है। तो हो सकता है अभी जो गिरावट हुआ है वो गिरावट को इस जगह पे लॉक कर दिया जाए और 35,500 एंड 35,600 के बीच में मार्केट दिखाई देने के लिए मिल सकता है, ठीक है, समझ गए। अगर 35,500 को ब्रेक करके सस्टेनेबल होगा तो हम और नीचे देखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 36,000 के करीब अगर मार्केट मिल जाए तो वहां पे सेल करेंगे, अगर यहाँ करीब मिल जाए तो यहाँ पे बाइंग का कोशिश करेंगे, अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यही यहाँ पे बरकरार रहता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर यही चीज बरकरार होता है दिखाई देता है, बट देखो यहाँ पे अगर हम कंपेयर किया जाए कॉल साइड एंड पुट साइड, तो कॉल साइड में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये भारी पड़ रहा है, तो हम नॉर्मल सी हम क्या बताते हैं कि कॉल साइड में 35,500 के ऊपर 28,000 का फिगर
और यहाँ पे 25,000 का फिगर। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि मार्केट इससे भी नीचे जा सकता है, इससे भी नीचे जाने का चांसेस है। तो देश का स्थिति, ग्लोबल मार्केट का स्थिति एंड ग्लोबल मार्केट का जो पूरा यहाँ पे सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ हद तक रेड दिखाई दे रहा है। और इस चीज को आपको रात को देखने की जरूरत है कि आज रात को फिर से नेगेटिव अगर होगा तो मार्केट डेफिनेटली एक डाउन मूवमेंट और बना हुआ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट बैच है ऑनलाइन क्लास का मैक्सिमम फुलफिल हो चुका है। जिन्होंने अभी भी सोच रहे होंगे जो अपना दम से हम प्रॉफिट कमाएंगे, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दोस्तों एक दिन में 7,000-10,000 ह्यूज स्क्रीनशॉट आता है हमारे पास। हमारे पास ऐसे भी स्क्रीनशॉट आता है जो हमारा कोर्स किए हुए हैं वो किस हिसाब से प्रॉफिट कर रहे हैं, और जिन्होंने कोर्स नहीं किए हैं वो किस हिसाब से लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा लास्टली, देखो जो कोर्स किए हुए हैं वो किस हिसाब से प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो हमारे स्टूडेंट का प्रॉफिट, एंड जिन्होंने कोर्स नहीं किए हैं उन लोग कंटिन्यू कैसे लॉस कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स सीक्रेट स्ट्रेटेजी को मार्केट को जानिए, फिर मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय।